बिजनेस बढ़ाना है तो एक भी ग्राहक हमने खोना नहीं चाहिए। तो लाइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गिरेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ग्राहक जो है वो राजा है, कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर इज द किंग। तो ग्राहक को कैसा खुश रखना और हमने ग्राहक को असामान्य सेवा कैसे देना, ये हमने देखना चाहिए। क्या होता है कि एक ग्राहक, एक कस्टमर यदि आपका असंतोष उसमें लेके जाता है आप हमारे यहाँ से, तो वो कम से कम 22 लोगों को अपने बारे में बदनामी करके घूमते रहता है। 22 लोगों को एवरेज में ऐसा पाया गया। तो एक असंतुष्ट ग्राहक 22 लोगों को वो अपनी असंतुष्टि बताता है और अपना धंधा खराब होने में फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। और एक जो संतुष्ट ग्राहक है वो 6 लोगों को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव करता है, प्रभावित करता है। इसका मतलब देखो कि एक असंतुष्ट ग्राहक 22 लोगों को बताता है, वो खुन्नस में बताता है, उसको गुस्सा आता करके बताता है, वो असंतुष्ट करके बताता है। जो संतुष्ट ग्राहक है, समाधानी ग्राहक है, वो सिर्फ 6 लोगों को बताता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हर ग्राहक जो है, हर कस्टमर जो है वो हमारा एकदम खुशहाल होके हमारे यहाँ से मतलब सेटिस्फाइड होके समाधानी होके हमारे यहाँ से निकलना चाहिए। और इसलिए हम हरदम बोलते हैं कि भाई कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर इज द किंग, उसको गॉड जैसा ट्रीट करो, उसको जो भी लगता है उसको दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्राहक की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है और हम अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, तो पहले ही हमारा यदि पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम क्या क्या देने वाले हैं, हमारी क्या क्या सर्विस है, और वो हम उसको लिखित स्वरूप में देते हैं, तो फिर नाराजगी का कोई कारण नहीं रहता। होता क्या है कि ग्राहक को हमने नहीं खोना चाहिए, इसलिए हम कुछ चीज़ें ग्रे रखते हैं, मतलब क्लियर नहीं करते हैं। उसकी कुछ अपेक्षा रहती है, हमारा मालूम है हमको हम क्या देने वाले हैं, और वो अपेक्षा में कुछ आते रहता है, उसकी अपेक्षा पूर्ति होती नहीं, फिर वो नाराज हो जाता है। इसलिए पहले से यदि ट्रांसपेरेंसी रही, पहले से यदि क्लियर कट मालूम है कि भाई क्या क्या हम देने वाले हैं, तो ग्राहक नाराज नहीं होगा। दूसरा ये है कि ग्राहक को हमने यदि जो एक्सपेक्ट वो करता है उससे ज़्यादा दिया, मोर देन व्हाट ही गिव्स, हम उसको मराठी में बोलते हैं कि शिक टाका, ज़्यादा दो, मतलब वो 1 रुपया हमको देता है तो हम 1 रुपया 10 पैसे का उसको कैसा देंगे, ज़्यादा कैसा देंगे, तो वो खुश हो जाता है। देखो हमारे यहाँ दूध वाला आता था, तो दूध 1 लीटर दूध हम लेते थे, तो 1 लीटर लेने के दूध लेने के बाद में वो नाप डालने के बाद में हम थोड़ा सा और वो ऊपर से डालता था, उसको बोलते शिक डालना, और उसमें हमको बहुत खुशी आती है कि नहीं हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी जब बैलेंसिंग वो जो तराजू उसमें जब तोलते हैं तो वो थोड़ा जब उसमें से सब्जी निकाल लेता है तो हमको वो जान पे आता है कि बहुत थोड़ा सा 50 ग्राम ज़्यादा हो गया तो क्यों ऐसा कर रहा है वो, तो वो ज़्यादा मिल जाए सब्जी तो हमको अच्छा लगता है। तो अभी भी हम मतलब हमने कभी भी ये देखना चाहिए कि हमारा ग्राहक को, जो ग्राहक हमको पैसा दे रहा है उससे हम उसको ज़्यादा सर्विस कैसे देंगे, तो वो खुश रहेगा। सो वी ऑलवेज शुड गिव मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हम जब करते हैं तो ग्राहक सच्ची खुश हो जाएगा, और खुश हुआ हुआ ग्राहक जो है वो बहुत ही अच्छी एडवर्टाइज करेगा, हमारे बारे में अच्छा बोलेगा और हमारा धंधा बढ़ने में सहायता हो जाएगी। मुझे अभी भी ख्याल है कि एक बार मैं नासिक में गया था, नासिक में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो रात को वहाँ करीब करीब मेरी ट्रेन 1 बजे पहुँची। बहुत ठंड के दिन थे, नासिक में बहुत ठंड होती है, दिसंबर का महीना था। रात को 1 बजे पहुँचने के बाद में, और मुझे, हम जहाँ रहते हैं अकोला में, यहाँ इतनी ठंड नहीं रहती है, तो मैंने कुछ, मेरे पास में कोई ऐसे वुलन क्लोथ भी नहीं थे, और मैं ट्रेन से उतर के होटल पे गया जो होटल मैंने बुक किया था। वहाँ जाने के बाद में, मतलब रास्ते में वहाँ मुझे कोई टैक्सी मिली नहीं, मैं ऑटो में गया, खुले ऑटो में, और 1 बजे आने के बाद में मुझे बहुत ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड। और जैसे होटल में मैंने चेक इन किया तो मुझे लगा कि अभी तो मतलब ठंड तो ऐसा, बहुत ही शिवरिंग कर रहा था मैं। अब मैं होटल वाले को, वो जो उसका जो आया था वहाँ का मैनेजर, उसको मैंने पूछा क्या मुझे कुछ गर्म पीने को मिल सकता है, क्या कॉफ़ी मिल सकती है क्या। बोले अभी तो सब बंद हो गया, 1 बजे तो हम कोई सर्विस देते नहीं, मतलब देखिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और आप कुछ ना कुछ गर्म मुझे पीने के लिए दे दो। तो उसने रात को 1 बजे अपने किचन खोल के उसने मुझे रात को 1 बजे बहुत बड़े मग्गे में ऐसी कॉफ़ी गर्म गर्म मुझे पिलाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी याद है वो कि वो उसका ये नहीं था, मतलब लाइक एक्सपेक्टेड नहीं है वो, उसने करना चाहिए ऐसा, उसमें कहीं लिखा भी नहीं रात को 1 बजे कोई होटल वाला कॉफ़ी देगा, और तभी भी उसने दिया। तो वो सर्विस जो है मुझे ख्याल में रहती है, और मैं कभी भी नासिक कभी जाता हूँ तो वही होटल में जाके रहता हूँ, क्योंकि जब असामान्य सर्विस जब ग्राहक को मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कस्टमर एक्सपीरियंस जब होता है ना ग्राहकों को, असामान्य अनुभव तजुर्बा, तो ग्राहक वो याद रखता है,
और वो 10 लोगों को कम से कम मैंने वहां भेजा होगा वो होटल में, और वहां मैं खुद जब जाता हूँ नासिक में तो मैं वहां उतरता हूँ। तो हमने ये देखना चाहिए कि ग्राहक जो है राजा है, कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर इज द किंग, है ना, ग्राहक देवो भव, ग्राहक देव जैसा है ऐसा बोला जाता है, तो हम उसको कैसा खुश रखेंगे। कभी कभी हो सकता है कि हमें कुछ फायदा कम हो जाए, कभी हो सकता है कुछ कम फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कम फायदा होगा, मगर वो यदि खुश होकर जाएगा तो वो 10 लोगों को बता देंगे कि भाई नहीं ये अच्छा हुआ है, वहाँ अच्छी सर्विस मिलती है, वहाँ अच्छे हो जाते हैं, तो भी हॉस्पिटल रहो, कोई रेस्टोरेंट है, कोई कपड़े का दुकान है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ हरदम जो मिलता है उससे ज़्यादा ग्राहक को देंगे तो आपको कभी कॉम्पिटिशन ही कहीं रहेंगे नहीं, और कॉम्पिटिशन का सामना आपको कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी व्यापारी लोगों को वीडियो शेयर करो, ताकि वो गिविंग मोर देन वॉट यू आर गेटिंग ये प्रिंसिपल अपनाएंगे, तो कभी उनको कॉम्पिटिशन है, मार्केट टाइट है, इसका सामना करना ही नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।